तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो के अंदर सबसे पहले बात करने वाले हैं FII और DII के एक्टिविटी के बारे में। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आज के दिन हमें काफ़ी बड़ी बल्क डील्स मार्केट में होते हुए देखने को मिली, जिसमें से फॉरेन इन्वेस्टर्स की तरफ से भी काफ़ी स्टॉक्स के अंदर प्रॉफिट बुक किया गया है, जिसके कारण आज के दिन FII के नेट हमें सेलर देखने को मिल रहा है, यानी कि 1700 करोड़ रुपये की बिकवाली नेट आज के दिन हमें FII की तरफ से देखने को मिल रही है। वहीं अगर DII की बात करी जाए, DII की तरफ से मार्केट में खरीदारी करी गई है, नेट 470 करोड़ रुपए की बाइक हमें DII की तरफ से मार्केट में आते हुए देखने को मिल रही है। यहाँ पर ओवरऑल आपको FII की आज के दिन नेट सेलिंग की वजह से पैनिक बिल्कुल भी नहीं लेना है, क्योंकि अगर आप ओवरऑल पूरे वीक की परफॉर्मेंस उठाकर देखेंगे तो FII ऑलरेडी हमें काफी ज्यादा पॉजिटिव ही देखने को मिल रहे हैं। बात करें ग्लोबल मार्केट की तो USA के बाजार में अभी भी हमें गिरावट देखने को मिल रही है। 34,000 रुपए का सपोर्ट डू जोन्स के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट काम कर रहा है, जिसे यह अचीव नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि डू जोन्स के अंदर अभी भी लगभग हमें 80 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल रही है और एक गैप डाउन ओपनिंग हमें यहाँ पर डू जोन्स के अंदर देखने को मिली है। अगर ओवरऑल ग्लोबल मार्केट के दूसरे इंडेक्स की बात करें तो SGX निफ्टी के अंदर भी आप देख सकते हैं लगभग 50 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल रही है। 18,000 के टारगेट यहाँ भी बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स काम कर रहे हैं। नेस्डेक की बात करी जाए तो नेस्डेक के अंदर भी हमें एक फ्लैट क्लोजिंग के दिन देखने को मिली थी और आज के दिन भी हमें एक फ्लैट ओपनिंग देखने को मिल रही है। कोई बड़े मूवमेंट यहां पर देखने को नहीं मिल रहा है। अब ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि लेट नाइट ग्लोबल मार्केट की USA बाजार की क्या क्लोजिंग निकल कर आती है, उसकी हिसाब से कल के दिन हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट भी मूव करते हुए आपको देखने को मिल सकता है। चलिए अब बात कर लेते हैं कल के लिए कुछ इंपोर्टेंट स्टॉक्स के बारे में, जहां पर आप नजर बनाए रख सकते हैं और साथ ही साथ खरीदारी करना चाहते हैं तो आप यहां पर मन बना सकते हैं। सबसे पहले शेयर्स की बात करें तो जिसका नाम है लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्री लिमिटेड, जहां पर 320 रुपए का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स काम कर रहा है और आज के दिन आपको इस शेयर के अंदर ऑलमोस्ट 4% की तेजी देखने को मिल चुकी है। अगर कल के दिन आपने हमारी वीडियो को देखा होगा तो कल भी मैंने इस शेयर्स को लेकर आपके लिए कवर किया था, जहां पर मैंने आपको बताया भी था कि अगर आप लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप यहां पर मन बना सकते हैं। मैक्सिमम ईयर्स में ये कंपनी लगभग 85% से भी ज्यादा के रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को बनाकर दे चुकी है और अगर इसकी रेजिस्टेंस की बात करें तो 380 रुपए तक के टारगेट शॉर्ट टर्म में लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स के यहां पर आप लेकर चल सकते हैं। बात कर लेते हैं नेक्स्ट शेयर्स के बारे में, जिसका नाम है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड। आज के दिन आपको इस शेयर्स के अंदर 3.5% की गिरावट देखने को मिल रही है। इस गिरावट के पीछे एक बहुत बड़ी वजह निकल कर आ रही है, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड जो अपनी पावर सप्लाई करती है, जो इनके क्लाइंट बेस हमें देखने को मिलते हैं, वहां से इन्हें जो अमाउंट है जो इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई किया है उसका अमाउंट इन्हें रिसीव नहीं हो रहा है, जिसके कारण ये कुछ बड़े कॉन्ट्रैक्ट को यहाँ पर बड़ी ट्रेडिंग को यहाँ पर रोकने जा रही है, जिसका एक नेगेटिव इंपैक्ट आज के दिन हमें इसकी शेयर प्राइस के ऊपर देखने को मिला है। लेकिन नो डाउट लॉन्ग टर्म में शेयर्स काफ़ी अच्छा है, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे मैक्सिमम ईयर्स में कंपनी ने 220% के रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को बनाकर दिए हैं। तो यदि आपने भी IEX के अंदर खरीदारी कर रखी है तो आपको जैसे ही प्रॉफिट मिले आप यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। कर लेते हैं नेक्स्ट शेयर्स के बारे में, जिसका नाम है KPIT टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। कल के दिन भी मैंने इस शेयर्स के कवर किया था और मैंने आपको बताया भी था कि KPIT टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के अंदर जो 550 रुपए का रेजिस्टेंस था वो शेयर्स ने अचीव कर लिया है और अब हमें इस शेयर्स के अंदर काफी अच्छी तेजी आते हुए देखने को मिल सकती है। आज के दिन आप देख सकते हैं KPIT टेक्नोलॉजीज के अंदर हमें 3 से 3.25% की शानदार तेजी देखने को मिल रही है और इस शेयर्स के भी जो टारगेट है अब 600 रुपए तक के लगाए जा रहे हैं। वहीं अगर स्टॉप लॉस की बात करें तो अगेन 550 रुपए के स्टॉप लॉस को ध्यान में रखते हुए आप यहां पर अपनी पोजीशंस को होल्ड करते हुए चल सकते हैं। टाटा एलेक्सी को अगर आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड नहीं कर पाए हैं और अगर आपने उस रैली का बेनिफिट नहीं उठाया है तो KPIT शेयर्स को आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। मैक्सिमम ईयर्स में इस कंपनी ने 437% के रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को बनाकर दिए हैं और इस कंपनी का फाइनेंशियल नंबर्स भी हमें काफी ज्यादा स्ट्रांग देखने को मिलते हैं। बात कर लेते हैं नेक्स्ट शेयर्स के बारे में, जिसका नाम है सोना BLW प्रिसीजन फॉरेंस लिमिटेड, जहां पर आज के दिन हमें इस कंपनी के अंदर कोई बड़े मूवमेंट देखने को नहीं मिले, लेकिन अगर वॉल्यूम बेस्ड काम की बात करी जाए तो टॉप वॉल्यूम बेस्ड काम शेयर्स के अंदर आज के दिन हमें सोना BLW भी नाम देखने को मिल रहा था। इस कंपनी के भी फाइनेंशियल नंबर्स थोड़े से प्रेशर में देखने को मिले थे, लेकिन हालांकि कंपनी की परफॉर्मेंस लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छी आपको देखने को मिल सकती है। तो अगर आप यहाँ पर खरीदारी करना चाहते हैं तो 500 रुपये की रेंज में अगर ये शेयर आपको मिलता है तो आप यहाँ पर बाय एंड डिप कर सकते हैं।
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट शेयर्स की तरफ, जिसका नाम है लेटेंट व्यू एनालिटिक्स लिमिटेड, जहां पर आज के दिन आपको इस शेयर के अंदर 3% की तेजी देखने को मिल रही है। और साथ ही साथ शेयर्स के अंदर जो 375 रुपए का इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस था वो भी यहां पर अचीव होते हुए हमें देखने को मिल रहा है। अब जो यहां पर लेटेंट व्यू के टारगेट निकल कर आ रहे हैं 410 रुपए के शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस यहां पर देखने को मिल रहे हैं। लॉन्ग टर्म की बात करी जाए तो ये शेयर लगभग 600 रुपए तक जाते हुए हमें देखने को मिल सकता है। लेटेंट व्यू के भी फाइनेंशियल नंबर्स हमें काफी अच्छे देखने को मिले, तो यदि आप यहां पर खरीदारी करना चाहते हैं 375 रुपए की रेंज में अगर शेयर आपको मिलता है तो यहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। हालांकि अभी भी इसके ऑल टाइम अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो अभी भी अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 44% डाउनग्रेड में ट्रेड होते हुए हमें देखने को मिल रहा है। तो यहां पर अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपका व्यू लॉन्ग टर्म का होना चाहिए, तभी आप यहां पर इन्वेस्टमेंट करें। बात करते हैं नेक्स्ट शेयर के बारे में, जिसका नाम है प्रिंस पाइप्स एंड फिटिंग्स लिमिटेड। आज के दिन इस कंपनी के अंदर हमें एक फ्लैट क्लोजिंग देखने को मिल रही है, लेकिन प्रिंस पाइप ने भी मैक्सिमम ईयर्स में काफी अच्छे रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को बनाकर दिए हैं। लगभग 300% के रिटर्न्स हमें प्रिंस पाइप्स के अंदर भी देखने को मिल सकते हैं। इस शेयर्स को लेकर भी लगभग 700 रुपए तक के टारगेट ब्रोकरेज फंड हाउसेस की तरफ से दिए जा रहे हैं। साथ ही साथ कंपनी के बिजनेस मॉडल्स की बात करें तो प्रिंस पाइप का बिजनेस भी बहुत तेजी से एक्सपांड होते हुए हमें देखने को मिल रहा है। तो यहां पर भी आप 580 रुपए के स्टॉप लॉस को ध्यान में रखते हुए 670 रुपए तक के टारगेट आप यहां पर विद इन अ वन मंथ लेकर चल सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं अनदर शेयर के बारे में, जिसका नाम है SBI कार्ड। आज के दिन 4.5% की प्रॉफिट बुकिंग आपको इस शेयर्स के अंदर देखने को मिल रही है। अगर आपने लास्ट 6 मंथ से SBI कार्ड के चार्ट को अगर एनालिसिस किया होगा तो यहां पर एक चीज आपने ऑब्जर्व करी होगी कि SBI कार्ड के लिए जो 1000 रुपए का लेवल से वो बहुत इंपॉर्टेंट है। शेयर्स उस लेवल पर काफी ज्यादा स्ट्रगल करते हुए हमें देखने को मिल रहा है। यहां पर अगर आप देखेंगे तो SBI कार्ड के अंदर भी जो हमें रिवर्स ब्रेक देखने को मिला है वो 1000 रुपए के लेवल से ही देखने को मिला है, जिस कारण से यहां पर जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है वो 1000 रुपए का ही देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ अगर सपोर्ट की बात करें तो 900 रुपए से लेकर 910 रुपए के बीच में शेयर हमें अगेन एक कंसोलिडेशन फेस में जाते हुए देखने को मिल सकता है। अदरवाइज अगर आपने SBI कार्ड के अंदर लॉन्ग टर्म पर्पज से खरीदारी कर रखी है तो यहां पर आप अपनी पोजीशंस को होल्ड करते हुए चल सकते हैं। बात कर लेते हैं नेक्स्ट शेयर के बारे में, जिसका नाम है डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। आज के दिन डिक्सॉन के अंदर अगेन हमें 1.25% की शानदार तेजी देखने को मिल रही है। वहीं डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड को लेकर अगेन काफी बड़े टारगेट प्राइस निकल कर आ रहे हैं। लगभग 6200 रुपए तक के टारगेट प्राइस ब्रोकरेज फंड हाउसेस की तरफ से डिक्सॉन को लेकर दिए जा रहे हैं। ये कंपनी ऑलरेडी मैक्सिमम ईयर्स में 663% से भी ज्यादा के रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को बनाकर दे चुकी है। तो यदि आपने डिक्सॉन के अंदर खरीदारी कर रखी है तो यहां पर भी आप अपनी पोजीशंस को होल्ड करते हुए चल सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं अनदर शेयर के बारे में, जिसका नाम है CDSL सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड, जहां पर आज के दिन आपको 1% की तेजी देखने को मिल रही है। वहीं शेयर्स के अंदर अब बहुत जल्दी हमें एक नया ब्रेकआउट भी बनते हुए देखने को मिलने वाला है। CDSL टेक्निकल चार्ट के ऊपर पूरी तरीके से बुलिश ट्रेंड में देखने को मिल रहा है, जिसके चलते यहां पर आप 1500 रुपए तक के टारगेट बिना वन मंथ इस शेयर्स के अंदर लेकर चल सकते हैं। वही बात कर लेते हैं अनदर कंपनी के बारे में, जिसका नाम है SRF लिमिटेड। बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस पर ये शेयर्स अभी आपको इसके 52 वीक के हाई से देखने को मिल रहा है। ऑल टाइम हाई में देखेंगे आप कि कंपनी 121,000% से भी ज्यादा के रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को बनाकर दे चुकी है। साथ ही साथ 3200 रुपए तक के टारगेट आप इस शेयर्स के अंदर शॉर्ट टर्म में लेकर चल सकते हैं। तो यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।